देखिए आज जो हम डिवाइस पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है भैया पोटेंशियोमीटर। क्या है? पोटेंशियोमीटर। देखिए भैया, आपने वोल्ट मीटर का नाम सुना होगा। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो वोल्टेज को नापता है, पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है। वैसे ही पोटेंशियोमीटर भी क्या भैया, एक तरह का डिवाइस है जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को ही नापता है, लेकिन ज्यादा एक्यूरेटली नापता है। ठीक है, वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर लेस एक्यूरेट होता है और पोटेंशियोमीटर क्या होता है भैया, मोर एक्यूरेट होता है। ठीक है भैया, काम दोनों का एक ही है, कोई एक ज्यादा परफेक्शन के साथ करता है और दूसरा कम परफेक्शन के साथ करता है। तो टॉपिक का नाम है भैया, भाई प्लीज बोले नहीं कोई भी प्लीज। ठीक है, टॉपिक का नाम है भैया पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, ठीक है भैया, ठीक है भैया, टॉपिक का नाम है पोटेंशियोमीटर। यूज क्या है इसका? मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। ठीक है भैया, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। ठीक है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है एक्यूरेटली। ठीक है भैया, अब इसका डायग्राम बना रहे हैं। प्रिंसिपल तो अभी खैर बाद में लिखेंगे, प्रिंसिपल अभी नहीं पता मान लीजिए मैं। ठीक है भैया, बाद में लिखेंगे इसके बारे में, उसके बाद डायग्राम आते हैं। ठीक है भैया, ठीक है भैया, डायग्राम क्या है इसका? ठीक है, तो ये आपका एक वुडन बोर्ड है, लकड़ी की तख्ती। ठीक है, ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये क्या है भैया, बी पॉइंट है। ठीक है, इसके बीच में एक बैटरी लगी होती है, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है भैया, इसे कहते हैं ड्राइवर सेल। क्या कहते हैं इसे? ड्राइवर सेल कहते हैं। यहां पर एक लगा होता है रियोस्टेट। क्या लगा होता है? रियोस्टेट का, या तो रियोस्टेट का दूसरा नाम होता है वेरिएबल रजिस्टर या वोल्टेज रेगुलेटर भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है भैया, इसका दूसरा नाम क्या है? वोल्टेज रेगुलेटर। और यहां पर लगा होता है आपका एमीटर और ये एंड इससे कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब यहां से एक वायर जाती है, और ये जो आपका पोटेंशियोमीटर होता है इसमें जो रेजिस्टेंस वायर होती है वो 4 मीटर की भी हो सकती है, 8 मीटर की भी हो सकती है, 12 की भी, 16 की भी, मतलब कई कई वेरिएबल लेंथ में आता है। जितना बढ़िया पोटेंशियोमीटर होता है, जितना सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर होता है, उसमें रेजिस्टेंस वायर की लेंथ क्या होती है? उतनी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? अभी आपको पता लग जाएगा, बस ध्यान दीजिएगा बस यहाँ पर। ठीक है भैया, तो ये रेजिस्टेंस वायर है और यहां पर लगी होती है कॉपर स्ट्रिप। क्या लगी होती है? अब ये कॉपर स्ट्रिप लगाने का भी रीजन होता है। ठीक है, रीजन आपको बता दूंगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर। ठीक है भैया, फिर यहां पर दूसरा वायर होता है। देखिए यहां पर आपको बता दूं कॉपर स्ट्रिप का यूज क्या होता है। ये 1 मीटर की होती है, ये 1 मीटर की होती है। अगर मैं इसको यहां पर मोड़ दूं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस वायर है तो वो वाला रेजिस्टेंस क्या होगा, कंसीडर नहीं हो पाएगा लेंथ में। ये 1 मीटर की लेंथ है, ये 2 मीटर की लेंथ है। अगर मैं मोड़ के लाता इस वायर को तो वो वाले वायर की लेंथ को मैं कंसीडर नहीं करता, लेकिन थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस उस पर बढ़ जाता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं भैया, कॉपर स्ट्रिप का यूज करते हैं। कॉपर का रेजिस्टेंस नहीं होता बिल्कुल, बहुत ना के बराबर रेजिस्टेंस होता है, इसलिए केवल इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस ही कंसीडर होगा, इस मुड़े हुए पार्ट का रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं होता, इसीलिए हम कॉपर स्ट्रिप का यूज करते हैं। और ज्यादा बढ़िया, बहुत ज्यादा जो एक्यूरेट डिवाइस होता है पोटेंशियोमीटर में, उसमें कॉपर की जगह पे हम क्या करते हैं, सिल्वर का यूज करते हैं। ध्यान रखियो, अभी यही रैप्टे मारूंगा, यही मारूंगा अभी, चुप हो जा। ठीक है, ये दूसरी कॉपर स्ट्रिप है। ठीक है, ये तीसरी कॉपर स्ट्रिप है, ये चौथी कॉपर स्ट्रिप है। और ये पांचवी कॉपर स्ट्रिप और ये बी एंड पर आके लग गया। ठीक है भैया, ये बन गया पूरा डायग्राम। ठीक है भैया, और यहां पर लगा होता है गैल्वेनोमीटर और ये मेजर करता है भैया करंट को। ठीक है भैया, अभी खैर इसका कोई यूज नहीं है, तो इसलिए मैं इसके ज्यादा इसको आगे बढ़ा भी नहीं रहा। ठीक है, अभी हमें केवल इसके बारे में समझना है। ठीक है, अब देखिए भैया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
ये रियोस्टेट क्यों लगाया जाता है पता आपको? मान लीजिए आपको इस तार पर चाहिए 10 वोल्ट का पड़े। अच्छा ये सारे तार किसमें, पैरेलल में या सीरीज में? पैरेलल में, सीरीज में। ये किसमें है? देखो कनेक्शन एक के बाद एक है ना, सारे वायर किसमें भैया? सीरीज में। और सीरीज में करंट की वैल्यू क्या होती है? सेम रहती है। जो इस बैटरी से करंट निकलेगा आई, तो वही क्या रहेगा? आई यहां पर, वही आई यहां पर, वही आई यहां पर, और वही आई। ठीक है भैया, सीरीज में होने की वजह से हर जगह पे करंट की वैल्यू क्या है भैया? आपकी सेम है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कॉपर स्ट्रिप है। कॉपर स्ट्रिप का यूज क्यों किया जाता है? स्ट्रिप क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? टेंस टू जीरो। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत छोटा होता है, इसीलिए ये लेंथ कंसीडर नहीं की जाती मेजरमेंट में। इसीलिए हम इस लेंथ को कंसीडर नहीं करते, तो रेजिस्टेंस भी कंसीडर नहीं होना चाहिए। इसलिए हम रेजिस्टेंस क्या लेते हैं? जीरो लेते हैं और कॉपर स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो अब देखिए भैया, यहां पर मैं लिखता हूं इसके बारे में। तो ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस वायर। ये जो रेजिस्टेंस वायर है ना, इसका जो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया वो क्या है? ए है। एल क्या है? लेंथ ऑफ और लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर। ठीक है भैया, और रो क्या है भैया? रेजिस्टिविटी विटी ऑफ रेजिस्टेंस वायर। जो रेजिस्टेंस वायर आपने यूज किया उसकी रेजिस्टिविटी क्या ये है। ठीक है, और आई क्या भैया? करंट जो कि सेल से निकला। अच्छा रियल स्टेट का सुन लीजिए भैया, रियल स्टेट का क्या इस्तेमाल है? आप चाहते हो भैया कि इस रेजिस्टेंस वायर के ऊपर कम पोटेंशियल आए। क्या है? कम पोटेंशियल आए, तो हम यहाँ पर रियल स्टेट का रेजिस्टेंस क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। तो बैटरी का बहुत सारा पोटेंशियल क्या होगा? यहां पर आ जाएगा, क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसके ऊपर पोटेंशियल भी क्या होता है? ज्यादा आता है। तो जब आप इसके रेजिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो बैटरी का बहुत सारा पोटेंशियल इसके ऊपर आ जाएगा और बचा हुआ पोटेंशियल क्या होगा? इस वायर के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहते हो भैया इसके ऊपर कम पोटेंशियल और यहां पर ज्यादा पोटेंशियल चाहिए आपको। ठीक है भैया, तो आप क्या करते हो भैया? इसके रेजिस्टेंस को कम कर दोगे तो इस बैटरी का छोटा सा पोटेंशियल यहां पर आएगा, बाकी बचा हुआ क्या हुआ? यहां पर कर दोगे। आप चाहते हो कि बैटरी का पूरा पोटेंशियल इसके ऊपर आ जाए तो इसके रेजिस्टेंस को क्या कर दोगे? जीरो। क्या कर दोगे? जब रेजिस्टेंस जीरो कर दोगे तो उसका पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी? जीरो हो जाएगी और सारा पोटेंशियल बैटरी का क्या होगा? यहां पर आ जाएगा। ठीक है भैया, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं भैया? वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज को रेगुलेट कर रहा है सर्किट के आउटर सर्किट में। ठीक है, चलो अब देखिए भैया ओम्स लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है भैया? वी इक्वल्स टू में आई आर। वी क्या है भैया? पोटेंशियल। किसके अक्रॉस में? इस रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस में। जो इस रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस में कुल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या है भैया? वी। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस वायर। जो आपने रेजिस्टेंस वायर ले रखा है ना उसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रखा है वो वी है ना। अच्छा वी कुछ भी क्या होता है? आई आर होता है, तो आई तो ऐसे ही है। आर क्या होता है? रो एल ए होता है, बोलो। हाँ रेजिस्टेंस क्या होता है भैया? रो एल ए होता है। अच्छा एक चीज बताइए, इसमें कॉन्स्टेंट कौन करना है? करंट क्या भैया? कॉन्स्टेंट है। रेजिस्टिविटी क्या होती है भैया? क्योंकि ओम्स लॉ लगा रहा हूं, ओम्स लॉ लगाऊंगा तो टेम्परेचर क्या होगा भैया? कॉन्स्टेंट। और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी? कॉन्स्टेंट रहती है। ठीक है भैया, यहाँ पर रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। अच्छा एरिया भी क्या है भैया? यहाँ पर कांस्टेंट एरिया क्या है भैया? अब एरिया कांस्टेंट होने का रीजन आपको पता लग जाएगा, लेकिन आगे अभी यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर करंट, रेजिस्टिविटी और एरिया क्या है भैया? कांस्टेंट है। तो इन तीनों को, ये पूरे को लेके एक साथ में इसको कॉन्स्टेंट लिख दिया के, और ये एल लिख दिया। ठीक है भैया, ये कॉन्स्टेंट है। तो आप देख रहे हो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है भैया? एल। वी क्या है भैया? कौन सा पोटेंशियल? जो रेजिस्टेंस वायर के ऊपर है। ये वाला पोटेंशियल नहीं है, जो इस रेजिस्टेंस वायर के ऊपर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या है भैया? V। वही तो लिखा हुआ भैया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस वायर। आपको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पता है इसका कुछ पार्ट यहां पर आ जाएगा तो बच्चों को तो यहां पर आएगा ना। आपको मतलब है कि वो वाला पोटेंशियल जो इसके ऊपर आया है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है भैया, तो यही लिखा हुआ भैया, आप देख रहे हो यहाँ पर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि भैया जितनी बड़ी लेंथ होगी वायर की उतना ही ज्यादा उसके ऊपर क्या आएगा? इसका मतलब तो यही हुआ। आप देखिए कैसे, अच्छा आप लेंथ बढ़ाओगे तो वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। और जब वायर का रेजिस्टेंस बढ़ता है तो उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है भैया, लेंथ घटाओगे
तो लेंथ घटाओगे रेजिस्टेंस घट जाएगा, पोटेंशियल भी क्या होगा घट जाएगा। अच्छा देखिए यहां पर हमने रखा, हमें कम पोटेंशियल मिलेगा क्योंकि आपको पता है लेंथ कम है, रेजिस्टेंस कम होगा, पोटेंशियल भी क्या होगा कम आएगा। ठीक है भैया, करंट की वैल्यू कॉन्स्टेंट है। देखिए भैया करंट की वैल्यू मैंने आपको बताया वी कॉस में क्या होता है आई आर, आई अगर कॉन्स्टेंट है तो वी इज डायरेक्टली वोल्टेज क्या होगा आर होगा, यानी आर कब बढ़ रहा है जब लेंथ बढ़ रही है, और जब लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसके क्रॉस में क्या होगा पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ठीक है भैया, तो आपने ये वाली लेंथ ली, लेंथ इतनी ली है, लेंथ कम है, रेजिस्टेंस कम होगा, पोटेंशियल भी क्या आएगा कम आएगा। ठीक है भैया, और आपने लेंथ देखिए ये एक मीटर की है, आप यहां पे आओगे तो एक मीटर प्लस दिस लेंथ, यहां पे आओगे तो क्या होगा दो मीटर, यहां पे आओगे तो दो मीटर प्लस दिस लेंथ, यहां पे आओगे तो तीन मीटर, समझ गए भैया। तो जितनी लंबाई बढ़ती जाएगी वायर की उतना ज्यादा क्या होगा भैया उसके अक्रॉस में पोटेंशियल आता जाएगा। क्यों? क्योंकि लंबाई बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू लगातार क्या होती है आपकी बढ़ती चली जाती है, और जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो उसके अक्रॉस में पोटेंशियल क्या होगा बढ़ता चलेगा। यही क्या इसका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या कहता है भैया कि भैया वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यही है इसका पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। द फॉल ऑफ पोटेंशियल, अगर इसको स्टेटमेंट में लिखूं कि द फॉल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। कह रहा भैया वायर के ऊपर जो भी पोटेंशियल आएगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि पोटेंशियो मीटर के वायर की लेंथ क्या है। अगर पोटेंशियो मीटर की वायर की लेंथ क्या होगी भैया आपकी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो पोटेंशियल ज्यादा, वायर की लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम पोटेंशियल कम। क्यों कह रहा हूं भैया ऐसा, क्योंकि यहां पर करंट की वैल्यू हमने क्या ले रखी है कॉन्स्टेंट ले रखी है। तो बता दो भैया यहां पर लिख देता हूं आपको ताकि आपको सहूलियत रहे। ठीक है भैया, करंट क्या है भैया कॉन्स्टेंट है तो वी इक्वल्स में क्या होता है आई आर होता है, यहां पर करंट कॉन्स्टेंट हो गया तो वी इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या हो गया आर, और आर इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होता है भैया एल, एल ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो पोटेंशियल ज्यादा। यही क्या भैया इसका प्रिंसिपल है। ठीक है भैया, बहुत सिंपल टॉपिक है लेकिन इसकी एप्लीकेशन बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है भैया, कई जगह तीन एप्लीकेशन करेंगे इसकी। ठीक है भैया, तो आज एक एप्लीकेशन करेंगे और कल भी क्लास होगी, संडे को क्लास नहीं होगी केवल टेस्ट होगा। ठीक है भैया, कल निपटा दूंगा इस चैप्टर को। ठीक है भैया, फोटो ले ले बढ़िया वाली फोटो, एक बढ़िया फोटो, बढ़िया कैमरा, बढ़िया फोटो। सैटरडे को कल होगी, सैटरडे को नहीं होगी इस फोटो ले इसकी तेरी पोजीशन सही कर दूंगा, यहां पे आ जा जल्दी आ मोटे। अब देखिए भैया इसमें भाई प्लीज ध्यान दीजिए भैया, इसमें क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है भैया कि मैंने बोला कि ये जो पोटेंशियोमीटर की वायर होती है ये अलग अलग पोटेंशियोमीटर की वायर में अलग अलग लेंथ वाली वायर होती है, कहीं पे चार मीटर, कहीं पे आठ मीटर, कहीं पे बारह मीटर, कहीं पे सोलह मीटर, अंतर क्या होता है इन तीनों चारों में, चार तरह के पोटेंशियोमीटर में। तो भैया ये ध्यान रखना जिस पोटेंशियोमीटर की वायर जितनी ज्यादा लंबी होगी उसकी सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने किसी को छुआ और उसको बड़ी जल्दी से पता लग गया, और कईयों को छूते हैं तो पता ही लगता भैया चक्कू घुस जाए फिर भी नहीं पता लगने वाला। ठीक है, तो जो जिनके चक्कू घुस जाए फिर भी पता नहीं लगता वो लेस सेंसिटिव। ठीक है, और जिनको हल्की सी छुअन का एहसास हो जाए ठीक है वो मोर सेंसिटिव। ठीक है भैया, तो यही सेंसिटिविटी है कि जो पोटेंशियोमीटर कम से कम पोटेंशियल का पता लगा लेता है वो क्या होता है हाई सेंसिटिव। क्या है भैया, और उससे आने वाली रीडिंग क्या होगी ज्यादा एक्यूरेट होगी। क्या होगी, लेकिन जो पोटेंशियोमीटर ज्यादा लेस पोटेंशियल को मेजर नहीं कर पाता, ठीक है, छोटे पोटेंशियल को मेजर नहीं कर पाता, ठीक है भैया, वो लेस सेंसिटिव है, वो सही से एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पाएगा। समझ गया भैया। अच्छा एक चीज देखिए भैया, मैंने एग्जांपल दिया था, अगली क्लास में भी आपको देता हूं। एक स्केल बनाया जिसमें जो डिवीजन है वो एक एक सेंटीमीटर के गैप पे है ना, और एक दूसरा स्केल है जो आप यूज करते हो उसमें जो डिवीजन है वो एक मिलीमीटर के गैप पे है, तो कौन ज्यादा सेंसिटिव है, कौन छोटी से छोटी लेंथ को नाप सकता है, एक मिलीमीटर वाला, वन मिलीमीटर वाला इज मोर एक्यूरेट देन एक सेंटीमीटर वाला, क्योंकि वो क्या करता है छोटी से छोटी लेंथ को मेजर कर पा रहा है। ठीक है, तो भैया जो पोटेंशियोमीटर छोटे से छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर लेता है वो क्या होता है ज्यादा सेंसिटिव, और जो पोटेंशियोमीटर छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर नहीं कर पाता केवल बड़े को ही मेजर कर पाता है वो क्या है भैया लेस सेंसिटिव।
ठीक है भैया। चलो प्रेम को देखो, अब प्रेम का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब देखिए कई ऐसे लड़के होते हैं, कोई लड़की वड़की चले या कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मुंह धन नहीं पड़ता। अब प्रेम को पता लग जाए कि सामने से दो गली पहले एक लड़की गई है, इसको सब पता लग जाएगा, इवन है वहां पहुंचे, बहुत सेंसिटिव है ये बच्चा, ठीक है। तो ठीक है भैया, अब तो क्लियर हो गया होगा आपको, इससे सेंसिटिविटी क्लियर है प्रेम भाई, ठीक है। अब सख्त लड़का है, मुझे पता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, देखिए भैया बेटो तू किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है भैया। अब मैं बात करता हूं भैया सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर की, ठीक है भैया। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ध्यान दीजिए भैया, सेंसिटिविटी उस पोटेंशियोमीटर की ज्यादा होती है जो कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करे भैया, मेजर करता है। जो पोटेंशियोमीटर छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है वो क्या है भैया, करता है वो है हाई सेंसिटिव, ठीक है भैया। वो क्या है भैया, हाई सेंसिटिव, जो छोटे से छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करे, मेजर कर ले, वो है हाई सेंसिटिव। और जो ऐसा ना कर पाए वो क्या है भैया, लेस सेंसिटिव, ठीक है भैया। जो समझ गए भैया, एंड वाई से बढ़ता, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। अब आगे बढ़ते भैया, ध्यान दीजिए, अब इसमें देखिए, अब हमें पता कैसे चलेगा कौन सा ज्यादा सेंसिटिव है। तो भैया देखिए, एक वायर ली, इसकी लेंथ L1 थी और पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या लगा रखा था, V, क्या लगा रखा था, V। और एक यही पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया, लेकिन यहां पर लेंथ क्या कर दी भैया, L2, क्या कर दिया भैया, L2। यहां पर लेंथ क्या होगी भैया, बड़ी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस उतना है, लेकिन लेंथ क्या भैया, छोटी है, ठीक है। तो बताओ किस वायर के पर यूनिट लेंथ पर छोटा पोटेंशियल आएगा, किस वायर के पर यूनिट लेंथ पर छोटा पोटेंशियल आएगा, है? देखिए भैया सुन लीजिए, मैंने बताया था के, अभी मैंने बताया था वी क्वेश्चन में क्या था, केएल था, के क्या था, वी अपॉन में एल, इसे कहते हैं भैया पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, और इसका दूसरा नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है भैया। और इसको आप नॉर्मली पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कह सकते हो, या पोटेंशियल ग्रेडियंट कह सकते हो, या आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, वी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है भैया। तो इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हो, लेकिन आप इलेक्ट्रिक फील्ड अभी नहीं कहोगे, केवल आप केवल ध्यान रखना पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कह सकते हो या पोटेंशियल ग्रेडियंट कह सकते हो, ठीक है भैया। तो ज्यादा आसानी समझ में आने वाला वर्ड है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, यानी एक यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियल आया। अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा दिया L1 आपका क्या भैया 1 मीटर है, क्या है भैया, और V क्या भैया आपका 100 वोल्ट है, क्या है, 100 वोल्ट है। तो इसके पर यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियल आएगा, 100 सेंटीमीटर कर दो इसको, क्या कर दो, 100 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा भैया, जो K की वैल्यू आएगी क्या आएगी, 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी आपका यहां पर 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 वोल्ट को मेजर कर रहा है, मतलब 0.5 वोल्ट को तो मेजर ही नहीं कर पाएगा, ये 0.6 वोल्ट को मेजर कर पाएगा क्या, ये नहीं कर पाएगा। चलो अभी देखते हैं इसकी लेंथ क्या भैया, L2 की लेंथ को मैंने कर दिया 200 मीटर कर दिया, क्या कर दिया, और पोटेंशियल क्या है, वही पोटेंशियल, क्योंकि ये दोनों में सेम है, तो क्या होगा, 100 वोल्ट, तो क्या होगा भैया इसका, क्या होगा, 0.05 वोल्ट पर सेंटीमीटर, दो मीटर का है ना, तो इसको 2 सेंटीमीटर कर दो, ठीक है भैया, पर सेंटीमीटर, ठीक है भैया। अब एक बात बताओ, इसका 1 सेंटीमीटर कितना पोटेंशियल मेजर कर रहा है, और इसका 1 सेंटीमीटर कितना कर रहा है, तो कौन छोटा मेजर कर रहा है,
तो ये ज्यादा एक्यूरेट है, ये ज्यादा सेंसिटिव है, समझ गए भैया। तो ज्यादा जिसके पर यूनिट लेंथ पर कम पोटेंशियल आता है वो उसका मेजरमेंट कर पाएगा और वो ज्यादा सेंसिटिव होगा, लेकिन जिसके पर यूनिट लेंथ पर ज्यादा पोटेंशियल आ रहा है भैया, छोटा तो दिख ही नहीं रहा आपको, तो वो ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। तो ठीक है भैया, ये के वन है, ये के टू है, तो क्या होगा भैया, ये क्या है, मोर सेंसिटिव और लेस, ठीक है भैया, लेस सेंसिटिव, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ठीक है भैया। तो ये सेंसिटिविटी के बारे में हो गया, ठीक है भैया। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, के की, के क्या है भैया, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, यूनिट जो होगी आपकी वोल्ट पर मीटर, क्या होगी भैया, वो एसआई यूनिट बोल रहा हूं मैं, लेंथ को सीजीएस में क्यों नोट कर रहा है, ठीक है भैया। तो ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। और कॉपर स्ट्रिप का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो भैया कॉपर स्ट्रिप का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि रेजिस्टेंस केवल रेजिस्टेंस वायर का रहे, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस उसमें एड अप ना हो, इसलिए हम कॉपर स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भैया। चलो फोटो ले लो भैया, कुछ मिस तो नहीं हुआ है, लेकिन सारा पढ़ा दिया, दूसरी मीटिंग में कहीं दूसरा पढ़ा दिया, यहां पर कुछ और पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अरे भैया तो भैया इसकी जो पहली एप्लीकेशन, तो आपको प्रिंसिपल पता लग गया भैया, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर करता है, ठीक है भैया। और कौन ज्यादा सेंसिटिव होता है, जिस पोटेंशियोमीटर की वायर क्या होगी, ज्यादा लंबी होगी, और जिसकी वायर छोटी होगी, अगर दोनों में सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो बड़ी लंबी लेंथ वाली वायर वाला जो रहेगा वो ज्यादा सेंसिटिव रहेगा, और छोटी लेंथ वाला पोटेंशियोमीटर क्या होगा, लेस सेंसिटिव रहेगा, क्योंकि छोटी लेंथ वाला बड़े पोटेंशियल को मेजर करेगा, छोटे पोटेंशियल को मेजर नहीं कर सकता, और बड़ी लेंथ वाला छोटे पोटेंशियल को भी मेजर कर पा रहा है, इसलिए वो क्या है, ज्यादा सेंसिटिव। फिर उसके बाद मैंने बोला भैया कि कॉपर स्ट्रिप का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि ताकि जो एक्स्ट्रा जहां पर आप मोड़ते हो, जहां पे आप टर्न लेते हो, ठीक है, अगर वहां पे कॉपर की यहाँ पे हम रेजिस्टेंस वायर का यूज करेंगे, उसी वायर को मोड़ देंगे, तो वो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, जो कि काउंटेबल नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, केवल कॉपर स्ट्रिप का यूज किया ताकि उसका रेजिस्टेंस क्या रहे, ना के बराबर है, कोई दिक्कत ना है, अब मेजरमेंट में है सारा का सारा लेंथ, है ना। और उसके बाद फिर सेंसिटिविटी के बारे में बताया, तो भैया आपको क्लियर ही हो गया सेंसिटिविटी के बारे में, ठीक है भैया। अब ध्यान दीजिए भैया, अब हम कर रहे हैं यार इसकी एप्लीकेशन, इसके पास तीन एप्लीकेशन है, एनसीईआरटी में दो एप्लीकेशन दे रखी है और एक एप्लीकेशन मैं अपनी तरफ से कराऊंगा, ठीक है भैया। आज जो कराने जा रहा हूं एक सिंगल एप्लीकेशन है, बहुत आसान एप्लीकेशन है, ठीक है भैया। तो इसीलिए ध्यान रखना, जिसको एक बार क्लियर उसको सारी एप्लीकेशन क्लियर, क्योंकि सबका जो करने का तरीका है वो एक ही है, जैसे मैं ये करने जा रहा हूं, ठीक है भैया। तो ध्यान दीजिएगा, मिटो इसे, चल ठीक है भैया। देखिए अब बात करने आ रहे भैया पहली एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में, एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल, दो सेल के ईएमएफ को आपको क्या करना भैया, पोटेंशियोमीटर की सहायता से कंपेयर करना है, कौन ज्यादा है कौन कम है, कौन ज्यादा है कौन कम है। अब इसका जो डायग्राम बना हुआ आपको इसी तरीके से बनाना है, वो तो आप इसका समझ लो फेयर डायग्राम था जो एक्चुअल में दिखता है जैसा, लेकिन अब जो हम बनाने जा रहे हैं इसे रफ डायग्राम कहते हैं, और डेरिवेशन में आप इसी डायग्राम को बनाओगे, ठीक है भैया। अब देखिए क्या है, ये भैया आपका क्या है, ड्राइवर सेल, ये भैया क्वेश्चन कई बार ये भी आता है कि ड्राइवर सेल का पोटेंशियल ज्यादा क्यों होता है, आपको पता लग जाएगा भैया, ठीक है। ये क्या भैया, रियोस्टेट है ना, रियोस्टेट, ये क्या है भैया, एमीटर, ये है आपका, बस एक बार से काम चल जाएगा अपना, ठीक है भैया। ये ए एंड है, और ये क्या है भैया आपका, बी एंड, ठीक है भैया। यहां से एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है मैंने, क्या लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है भैया। इसका पोटेंशियल बी है, और इसके अक्रॉस में पोटेंशियल यहां पे लिख देता हूं भैया, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी इक्वल्स में क्या लिख दिया मैंने, बी, मतलब इस वायर पे कुल कितना पोटेंशियल रखा है, वी आ रखा है, क्या रखा है, वी। देखिए भैया
मुझे जिस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, मेजर करना है, कंपैरिजन करना है, उसका नेगेटिव यहां पे रखूंगा और पॉजिटिव यहां पे रखूंगा, ठीक है भैया? ठीक है, और ये ध्यान रखना भैया, इसका नेगेटिव और पॉजिटिव रखने का रीजन है, पर्पस है, ऐसा नहीं लग रहा कि आप कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता इधर पॉजिटिव है ना, तो अगर इसका पॉजिटिव रखूंगा तो क्या होगा, रिपेलिंग नेचर आ जाएगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, ताकि वो रिपेलिंग नेचर ना रहे, तो इधर क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है भैया, और इधर क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ये पी वन पॉइंट पर। अच्छा देखिए भैया, आपने आपको कल याद होगा मैं जोकी को रेजिस्टेंस वायर के ऊपर ऐसा ऐसा चलाता था, और जैसे ही मुझे करंट की वैल्यू जीरो मिलती थी तो उसका मतलब ये होता था कि जिससे वायर कनेक्टेड है और उस पॉइंट का पोटेंशियल दोनों क्या हो गया, बराबर हो गए, ठीक है भैया। अब यहीं पर वही करना है, ठीक है भैया, ये पूरा सेटअप लगा दिया हमने, ठीक है भैया, पूरे सेटअप में बैटरी जिसका ये मैं मुझे नापना है वो इवन ही रहा, ठीक है। चलो मैंने क्या किया, नाउ मूव द जोकी, ये जोकी है, क्या है ये, नाउ मूव द जोकी, मूव द जोकी जो कि ऑन रेजिस्टेंस वायर, रेजिस्टेंस वायर टिल वी गेट नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। इसका मतलब पता क्या भैया, कह रहा भैया हमें जोकी को जब तक रेजिस्टेंस वायर के ऊपर चलाना है जब तक कि हमें क्या ना मिल जाए, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। नल डिफ्लेक्शन मतलब कि आईजी की वैल्यू क्या हो जाए भैया, जीरो, है ना, इसे नल डिफ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं, जहां पर नल, नल मतलब जीरो, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही, ठीक है भैया। तो यहां पर हमें, हमने देखिए यहां पर छुआया, यहां पर छुआएंगे, देखिए भैया बैटरी का पोटेंशियल का जो वी पार्ट है, ये बैटरी का पोटेंशियल क्या वी है, ड्राइवर सेल का पोटेंशियल क्या वी है, लेकिन इसका जो वी पार्ट है वो कहां पर आया, रेजिस्टेंस वायर के ऊपर आया, क्या है। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है भैया, मान लीजिए इसका पोटेंशियल क्या था, 10 वोल्ट था, आपने 2 वोल्ट यहां पर उतार दिया तो यहां पर कितना आएगा, 8 वोल्ट आएगा। अब देखिए भैया, इस बैटरी का जिसका मुझे ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ का पता करना है, इसका पोटेंशियल क्या है, 4, क्या है, आप यहां पर इस सुई को छुआओगे, जब यहां पर छुआया तो यहां का पोटेंशियल निकला 1 वोल्ट, क्या निकला, और इसका कितना है, 7 है, 4 था क्या, 4 है, तो क्या होगा, 1 और 4 के बीच में डिफरेंस आ गया कितना, 3, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो करंट का फ्लो होगा, उसको मेजर कर लेगा आपका गैलोनोमीटर, ठीक है भैया। आपने फिर ये नीडल को यहां छुआया, इसको जैसे यहां पे छुआया तो यहां का निकला 1.5 वोल्ट, इसका कितना है, 4, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, 2.5 का, 2.5 का आ गया ना भैया। अब भी पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट का फ्लो होगा, लेकिन अब करंट उतना ज्यादा नहीं जाएगा, हमें पता लग गया भैया इधर ही डायरेक्शन में कहीं मिलने वाला मुझे, मैंने यहां छुआ दिया, यहां छुआ दिया तो आई की वैल्यू क्या होगी, 0, कोई करंट ही मेजर नहीं किया इसने, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया इस बैटरी का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल आपस में क्या हो चुका है भैया, सेम। इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं भैया, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, क्या कहते हैं इसको, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। और यहां से यहां तक की लेंथ को हम कहते हैं भैया बैलेंसिंग लेंथ, क्या कहते हैं इसे भैया, बैलेंसिंग लेंथ, समझ गए भैया। तो वही लिखा हुआ है, नाउ मूव द जॉकी ऑन द रेजिस्टेंस वायर टिल वी गेट नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, हम कब तक मूव कराएंगे, जब तक हमें क्या मिल जाए, नल डिफ्लेक्शन, और ये सॉफ्टली मूव कराया जाता है, ठीक है भैया, बहुत प्यार से, ठीक है भैया। तो अब देखिए भैया, इफ पी वन इज द नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, डिफ्लेक्शन पॉइंट, एंड एल वन इज द बैलेंसिंग लेंथ। अच्छा एक बार बता दो भैया, के क्या है, पोटेंशियल पर यूनिट, इस वायर के पर यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियल है भैया, के, 2 पे कितना, 2K, 3 पे कितना, तो जितनी भी लेंथ पर आपको पोटेंशियल निकालना है इस वायर पर, तो K से उस लेंथ की क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। चलो भैया देखिए, मैंने कह दिया P1 इज द नल डिफ्लेक्शन पॉइंट एंड L1 इज द बैलेंसिंग लेंथ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बैटरी का ईएमएफ किसके बराबर है भैया, इस पॉइंट के पोटेंशियल के, बोलो हाँ, तभी तो करंट की वैल्यू क्या होगी, 0। अच्छा इस पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकलेगा, तो आपको पता भैया लेंथ कितनी है बैलेंसिंग लेंथ, L1, और पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कितना है, K, तो क्या होगा, K into L1, यानी इस बैटरी का ईएमएफ पता लग गया, बोलो हाँ, के एल वन आ गया, बोलो हाँ, इस बैटरी का ईएमएफ मुझे पता लग गया, जिसकी वैल्यू क्या आई भैया, के एल वन। हे भैया फोटो ले भी। कौन ले रहा फोटो, तुझे उससे मतलब नहीं है ना, रियोस्टेट का काम कर दिया मैंने, छोड़ दिया। अब मैंने ये कैप, ये कैपिटल भी है, ये स्मॉल भी है, मतलब इसका कुछ पोटेंशियल इस पे आया, बाकी बचा हुआ यहां पर आया, जो कि ये है, समझ गया, हो गया भाई। हर लड़की से कुछ ना कुछ करता रहेगा, छेड़ा छाड़ी, ताकि कोई गाली दे दे इसको, ठीक है, यही चाहता है हर बार,
नीच कहीं का तुच्छ व्यक्ति। ध्यान दीजिए भैया, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी एक सेल का निकाल लिया हमने, अब हम लगा रहे दूसरा सेल जिसका ईएमएफ हमें दूसरा सेल का निकालना, वो लगा दिया माइनस प्लस, और यहां पर मिला क्या उसका बैलेंसिंग पॉइंट, क्या मिला नल डिफ्लेक्शन पॉइंट या बैलेंसिंग पॉइंट, जिसकी लेंथ क्या थी यहां से एल टू थी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। इसका ईएमएफ क्या भैया ई टू, तो भैया क्या किया फोटो, वो फोटो के बाद दूसरा भैया नाउ मूव दी जो की ऑन द रेजिस्टर्स वायर टिल वी गेट नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, इफ पी टू इज द नल डिफ्लेक्शन पॉइंट एंड एल टू इज द बैलेंसिंग लेंथ। तो इसका मतलब क्या भैया, इस बैटरी का ईएमएफ पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया भैया बराबर हो गया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा के एल टू, तो ये क्या होगा ई टू इक्वल्स में के एल टू, सेकेंड इक्वेशन आगे बोलो। हाँ तो भैया पहली इक्वेशन क्या थी ई वन इक्वल्स में के एल वन, दूसरी इक्वेशन क्या है भैया, अब आपको पता ही लगा पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा पोटेंशियल किसका कम होगा, जिसके लिए लेंथ ज्यादा आएगी बैलेंसिंग लेंथ उसका पोटेंशियल क्या होगा ज्यादा, और जिसकी बैलेंसिंग लेंथ कम आ गई तो उसका पोटेंशियल कम। लेकिन आपको इस एनसीईआरटी की फॉर्मेलिटी के हिसाब से भी एक स्टेप और आगे चलना है, ठीक है भैया। फोटो ले ले भाई, इसकी फोटो ले ले बाबू, हो गया मिटू। अब हमने क्या किया ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड इक्वेशन, तो क्या हुआ भैया ई अपॉन में ई टू, ई वन अपॉन में ई टू, और कैसे क्या कैंसिल हो गया क्या हुआ एल वन अपॉन में एल टू, यहां तक हमें लाके इसको छोड़ देना है, ठीक है भैया। तो ये है आपकी पहली एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है भैया, जिसमें हमने क्या किया भैया पोटेंशियल दो सेल के पोटेंशियल यानी ईएमएफ को क्या किया कंपेयर किया, जिस सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा होगी उस सेल का ईएमएफ क्या होगा ज्यादा होगा, जिस सेल की बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी कम होगी, बैलेंसिंग मतलब नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है भैया समझ गया। तो इस तरीके से पहली एप्लीकेशन हुई, बाकी दो एप्लीकेशन और पावर नाम का टॉपिक मैं कल की क्लास में कराऊंगा, सैटरडे को छुट्टी रहेगी, संडे को क्लास नहीं होगी, केवल टेस्ट होगा थर्ड चैप्टर का। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।